जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ महाडिस्कॉम यानी कि महावितरण नई भर्ती 2020 के बारे में जो कि रिसेंटली जारी की गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी महाडिस्कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप जैसे यहाँ पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट सेक्शन पर आते हो तो आने पर आप यहाँ पर 5 मार्च में अपडेट देखोगे जो कि है आपका पोस्ट डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेकर के। तो चलिए यहाँ से हम इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों जो आपकी डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाली गई है टोटल वो 51 है और किस कैटेगरी के लिए कितनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों आप एज लिमिट चेक कर लीजिए, आपकी मिनिमम एज लिमिट 21 साल होने वाली है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 35 साल है। पर इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एस सी एस टी कैंडिडेट को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जाएगी और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो आपकी 4/4/2020 तक काउंट की जाएगी। अब यहां पर दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए, आपसे यहां पर आवेदन करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वह है आपकी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास इनमें से कोई एक डिसिप्लिन के अंदर यह क्वालिफिकेशन है तो तभी आप आवेदन कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपसे 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है जो कि आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशन। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे चलते हैं और देखते हैं इसकी स्केल ऑफ पे के बारे में यानी कि आपको क्या सैलरी इस पोस्ट पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी मिलेगी वो आपकी पे ग्रुप 2 के अंदर आती है और वो आपकी आपको इस क्रम के अंदर मिलने वाली है जैसे कि 61,830 रुपये से लेकर आपको मैक्सिमम सैलरी 1,39,925 रुपये दी जाएगी। अब यहां पर दोस्तों जो आपकी अन्य जानकारी वो भी कंफर्म कर लेते हैं जैसे कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए यहां पर मैं आपको सिलेक्शन के बारे में भी बता देता हूं। तो यहां पर आता है मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो दोस्तों आपका सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। जो लोग ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लेंगे फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो आपका रेशियो रहेगा वो आपका 1:3 का रहने वाला है यानी कि जो लोग एग्जाम देंगे उनको अगली जो इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा उसमें आपको एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को आगे भेजा जाएगा। फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में भी देख लीजिए, पर उसके पहले आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स कंफर्म कर लीजिए। ऑनलाइन डेट यहाँ पर आपकी फॉर्म फिलअप की जो रखी गई है वो 20 मार्च 2020 है यानी कि 20 मार्च से आप इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो और साथ ही आप 4 अप्रैल 2020 तक आवेदन कर पाओगे। कैंडिडेट टू डाउनलोड का लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों जो आपकी एग्जाम की डेट है उससे 10 दिन पहले अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हो और जो आपकी ऑनलाइन एग्जामिशन एट टेस्ट सेंटर रखी गई है वो आपकी ड्यूरिंग अप्रैल 2020 है यानी कि अप्रैल के अंदर ही आपका एग्जाम हो जाएगा एज पर दी डेट। इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पर आपका अप्रैल मई 2020 मंथ के अंदर हो जाएगा। अब एप्लीकेशन फीस भी देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो ओपन अप्लाइड अगेंस्ट ओपन कैटेगरी के लिए 500 है। साथ ही इसमें आपको 18% जीएसटी भी देना होगा और साथ ही ट्रांजैक्शन चार्जेस भी अलग से देने होंगे। फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए जैसे कि एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है और इनको भी इसके साथ 18% जीएसटी और ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों ये आपके जो एलिजिबिलिटी है इसमें आवेदन करने की उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हो चुकी है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब इसका लिंक एक्टिवेट हो फॉर्म फिलअप का तो क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊँ जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो आपको अगर वीडियो चाहिए तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। अगर आप इस बारे में कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो दोस्तों बस यही थी जानकारी और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।